खेतलावास विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से हुआ संपन्न। साइला उपखंड क्षेत्र के खेतलावास ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ वार्षिकोत्सव विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी के मुख्य आतिथ्य व सरपंच हाजाराम चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। वहीं विशिष्ट अतिथि के नाते पूर्व प्रधान राम प्रकाश चौधरी, धन सिंह, मालम सिंह, दशरथ सिंह, उदाराम, मेघाराम, नौनजीराम मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य की प्रस्तुतियां दी। वहीं 12वीं के विद्यार्थियों को शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई व प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। पूर्व प्रधान चौधरी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी तरक्की से सबसे ज़्यादा खुशी हमारे गुरुजनों को होती है। स्कूल शिक्षा के बाद हम चाहे किसी भी पद या प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, लेकिन हमारा उद्देश्य समाज व देश हित में ही होना चाहिए। वहीं जिला परिषद सदस्य रामाराम ने कहा कि स्कूल में प्रथम बार प्रवेश लेने वाला छात्र कच्ची मिट्टी के समान होता है, फिर शिक्षक उसे संवार कर एक सही रूप आकार प्रदान करता है व उच्च शिक्षा प्राप्त कर नाम रोशन करने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन अरविंद पारंगी ने किया। अंत में प्रधानाचार्य सुरेश कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। शिक्षकों ने विद्यालय में कक्षा कक्षों के अभाव के बारे में जन प्रतिनिधियों व ग्रामीणों को अवगत करवाया, जिस पर जन प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने निर्माण का आश्वासन दिया। इस मौके पर विद्यार्थी व ग्रामीण मौजूद रहे। 2020-21 के छात्रों को विदाई दी जा रही है सर, इन सब के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते ताली बजाओ। ये पहला विदाई है इस साल, ये 2021 और 22 वाला छात्रों को शुभ देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने परिवार की किरण हो, आशा की किरण हो, होपनीय हो। देखो जिस प्रकार सूर्य की किरण से अंधकार को मिटाकर कितना उजाला होता है, इसी प्रकार आप अपने परिवार का इसी प्रकार उजाला करना है। उजाला कैसे करोगे? जब आप पढ़ोगे कंटिन्यू न्यूज, आपको समय से विद्यालय आना पड़ेगा, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं है। मेहनत इंसानों की हाथों की वो लकीर है, मेहनत इंसानों की हाथों की जो लकीर है, जो माथे के पसीने में जो पसीना होता है बुंद में वो ज्यादा ताकत होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी 12वीं क्लास में विदाई समारोह ले रहे हैं, आप लोग आगे भी एडमिशन लेना है कॉलेज में, विदाई जाकर घर नहीं बैठना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ाई करें कंटिन्यू कॉलेज में, एडमिशन ले, जहाँ भी आपको सुविधा मिले, आप जीवाना कॉलेज जाओ, बागुड़ा कॉलेज जाओ, जालो गवर्नमेंट कॉलेज जाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, गाँवों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कमी है कोई प्रतिभा की? बहुत मेहनती गाँवों में लोग मिलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए, मैं आपके गांव का जिक्र करता हूं। मेरे साथ इस गांव में 11वीं के 3 क्लास थे, मैं आपको नाम बोल रहा हूं। एक तो विक्रम सिंह नारवाल जो मेरे साथ जालो पढ़ते थे, एक मनाराम जी जो एम्स में डॉक्टर है, और एक मेरे साथ खिदाराम जी जो देशा सुनेंगे, उसके सीनियर साथी एक मिसाराम जी, एक मेरे सीनियर साथी एक आज तालुक था जो एम्स में, एम्स से डॉक्टर में होना भी एक अपने आप में बड़ी बार है। वो सेंटर एक अभी आपके गाँव की बेटी है मेरा नाम कावरी, जो एम्स में कंप्यूटर बनी है। तो ये बेटी भी आजकल पीछे नहीं है। इससे पहले आपने सुना होगा एक लासित नाम का मैंगलवा से डॉक्टर बनी, सुना था नहीं? तो आप भी बन सकती हो। आज हिंदुस्तान में बेटियों ने राज किया है, क्या नहीं किया? देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रही, राजस्थान की CM रही, अपने जिला कलेक्टर भी लेडीज है। तो आप भी एक दिन IAS RS इंजीनियर डॉक्टर किसी भी विभाग में बनना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने खुद पढ़ाई की, पर मैं नौकरी को लगे पड़े, पर एक बात को हमारे हाथ में पड़ी, हमारे हमारी नौकरी 80% गवर्नमेंट सर्वेंट जो मेरे साथ पढ़े हुए वो नौकरी है। मैं आपको एक ही बताता हूँ, ये सुरेश जी मेरे सीनियर जूनियर साथी रहे, ये गणेशाराम जी मेरे साथी रहे, उनका PO वो मेरे साथ पढ़े हुए, ऐसे कितने भी PO मेरे साथ पढ़े हुए, हर स्कूल में ऐसा एक भी स्कूल नहीं है जिसका शिक्षक मेरे साथ पढ़े हुए नहीं है। बोलो, आपके कैलिन नाडी का नरेश मेरे साथ पढ़े हुए, नारवाड़ा के एक है ही हमारा जी रेवड़ा कला मेरे साथ पढ़े हुए। मैं एक आपको उदाहरण बताऊं मेरे गांव का, ये गांव में पोस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट, आप बात नहीं मानोगे, मानोगे क्या? मैं अभी उदाहरण बताता हूँ आपके सामने, यहाँ पर गोजा रानी और संभाल एक बार
प्रतिनिधि, इन लोगों ने ट्यूशन पढ़ाई की थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़े और बच्चों को प्राइवेट पढ़ाई, उसके बाद ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। तो अपने गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आपको पढ़ना है, ये मेरा संदेश है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जो भी सपोर्ट होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए काम करने के लिए, आपके सपोर्ट करने के लिए आपके कोई नहीं है। आज वार्षिक उत्सव चार प्रोग्राम में मैं चार स्कूलों में जाकर इस सिस्टम में आया हूँ, बोलो। और दोनों वाली बैठ करना छोड़ी गलत गई को नहीं पसा था खबर, तो ये आपके यहाँ आना हमारा जरूरी है। पहले विद्यार्थियों, हमारा सपोर्ट, हम सब आपके साथ है, कभी जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना, करोगे कैसे करोगे कैसे करोगे। एक मैं आप जो कह रहे हैं सर, आप जो कह रहे थे सर कि कुछ लोग ये बहुत ही होना बच्ची है, मैं जब पीओ भूगल में जाता हूँ नगर अंदर साथ वो उनके बारे में पता है, पर इन स्कूल बहुत दूर है, इनके साथ दो और आलवार की बच्ची पढ़ती है, पढ़ती है ना, तो मैं सब बच्चों का ध्यान रखता हूँ, सब बच्चों का ध्यान रखता हूँ, कौन सी बात सब का ध्यान रखता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत अपने आप का एक बहुत ही शुभ संकेत है कि हम और हमारी ग्राम पंचायत शिक्षा के प्रति कितनी सजग है और जागरूक भी है। भाइयों, हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा आगे जाकर के एक विशेष व्यक्ति के रूप में अपना नाम रोशन करें, इसी उद्देश्य से वो आपको यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजता है। यहाँ स्थानीय गुरुजनों द्वारा आपको शिक्षा के साथ साथ स्कूल की समस्त गतिविधियों में आपको एक्टिविटीज करते हुए एक विशेष नागरिक के रूप में आपको आगे दोस्ती ना तो रास्ते के की जाती है, ना जाति धर्म के की जाती है, दोस्ती का मतलब